वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नए एडवेंचर में। अभी हमें हुंडर नुब्रा वैली में, यहाँ से हमें जाना है कारगिल के रास्ते कश्मीर, लेकिन उससे पहले हमें लेह पहुँचना पड़ेगा, तो आज लेह में ही रुकेंगे शायद, देखते हैं। और यहाँ से हिचहाइकिंग करके हमें जाना है अभी लेह तक, लेह के बाद फिर कारगिल के लिए शुरू करेंगे और उसके बाद लद्दाख। लिफ्ट मिल गई सरस्वती, अरे यार उसकी देख के नहीं रोकी, मेरे को देख के भगा दी, सरस्वती के लिए रोकी थी पहले। चलो शुरू करते। देखो यार कितने ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब मास्क से आवाज भी नहीं आ रही होगी आपका, इतने ऊंचे ऊंचे और सिर्फ बंजर है, एक पेड़ भी नहीं है यहाँ पे भी, मतलब ये झाड़ झाड़ सही है, कुछ है नहीं है, सब बंजर है। सही, ठंड पड़ती है, बंद भी रहता है ये तो। यहाँ तक इतनी दूर तक आप आए हो तो बताना, इसके आगे भारत की सीमा और शायद पता नहीं कितने किलोमीटर तक है, आप बताना। तुरतुक विलेज और उससे भी थोड़ा सा आगे एक और विलेज पड़ता है, वहाँ तक है भारत, उसके बाद बॉर्डर आ जाता है। अरे यार गर्मी में चल रहे हैं, पानी की बोतल भी नहीं भराई मैंने, लगता है सरस्वती को लिफ्ट मिल गई, आवाज़ सी आ रही है कुछ तो। देखिए सरस्वती को लिफ्ट मिल गया, क्या बात कर रही है किसी से तो, अच्छा कैमरे में बात कर रही है कैमरे में बात कर रही है, हरियाणा की गाड़ी लेकिन लिफ्ट नहीं है। सुबह की पहली लिफ्ट मिली है, महाराष्ट्र की गाड़ी मिल गई हमें, एमएच की गाड़ी है ये। आप महाराष्ट्र से? या ये वहाँ तक जाएंगे जहाँ पे पेंगोंग का रास्ता कटता है, पेंगोंग से लेह के लिए अलग चला जाता है और पेंगोंग के लिए अलग चला जाता है, और एक रास्ता यहाँ पे आता है, तो हम यहाँ से जा रहे हैं, ये पेंगोंग की तरफ मुड़ जाएंगे, हम लेह की तरफ मुड़ जाएंगे। ये हम पेंगोंग वाले डाइवर्जन पे आ गए हैं, तो यहाँ पे शायद ये बंद है रास्ता, यहाँ पे रोड पे एक पेड़ की झाड़ डाल रखा है और कुछ लिख भी रखा है यहाँ पे कि आगे रास्ता बंद है, टी मोड़ से लें, टी मोड़ से 8 किलोमीटर से टर्न लेने बोला है। हाँ देखते हैं क्या होता है। देखो पूरा बंजर के अंदर हम खड़े हैं, रास्ता बताने के लिए कोई नहीं। ये भी आपके साथ है क्या? नहीं, अलग है। आप भी पेंगोंग जा रहे थे भैया? देवादी भाई येलो प्लेट गाड़ी है, हाथ कर पटकन। हाँ ये बता सकते हैं। ये बता रहे हैं, उन्होंने बिना पूछे ही बताने लगे, उन्हें पता है क्या किस लिए रुके। इनकी ना फेसबुक ग्रुप भी रहते हैं टैक्सी वालों के, तो इनको सारी अपडेट रहती है एक दूसरे के कहाँ पे क्या होता है सब। ये देखो अब देखते हैं ये कहाँ से जाएंगे, नीचे से जाएंगे शायद, पता नहीं हो रहा तुम्हारा कैमरा। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, आगे सड़क का काम चल रहा है ऐसा कुछ, तो यहाँ पे एक पेड़ का ये झाड़ भी डाल रखा है, ये रास्ता बंद हो गया। अघाम 24 किलोमीटर लिखा हुआ है। अब ये भी यहाँ से रिवर्स जाके पीछे से लेंगे। देखो डिस्किट से हम आए हैं अभी 26 किलोमीटर, 26+7 हम होंडर से आए हैं, होंडर हाँ ये 33 किलोमीटर से आए हैं। बाकी थियोस अच्छा ये है लास्ट गाँव, सब बोलते हैं ना तुरतुक लास्ट गाँव है, देखो तुरतुक 116 अच्छा थोड़ी अलग रास्ते पर है। ओके ये देखो फैमिली की तरह आम्ही महाराष्ट्रातून आलो आहोत मुंबईवरनं, आम्ही इनिशियली स्टार्ट केलं मुंबईवरनं राजस्थान फिरलो, राजस्थानवरनं आलो टुवर्ड्स दिल्ली, दिल्लीवरनं पंजाब फिरलो, पंजाबवरनं डिरेक्टली मग आम्ही आलो आता इथे लेह फिरलो आहेत, पॅंगॉंग लेकला चाललो आहेत, त्याच्यानंतर बॅक टू अगेन ऋषिकेश हरिद्वार उत्तराखंड आहे। ये मराठी में बता रहे हैं कि ये आए हैं वहाँ से महाराष्ट्र से, हम देखो अब इस रोड पे पैदल चल चल के जाएंगे, यहाँ से वापस मुड़ जाएंगे इनका रास्ता। ये जिंदगी है यार, ऐसे बंजर में हम ऐसे घूमेंगे पैदल पैदल। गाड़ी मिली तो मिली वरना पैदल, वाह यार लाइफ है। लद्दाख में पैदल चलते जा रहा हूँ यार, यकीन नहीं होता, मतलब मैं ये सब देखते थे हम यार डिस्कवरी में, ये ऐसे भी किया जा सकता है, बस पैसे छोड़ दो बाकी आप बस पैदल चलना शुरू करो, चाहे रेगिस्तान हो चाहे कुछ भी हो लिफ्ट मिल जाएगी। सरस्वती को देखो लिफ्ट मिल गई है शायद, पंजाब की गाड़ी है। ओके लिफ्ट मिल गई है हमें, देखो भारत से साउथ से मैं हूँ, आप यहाँ से ही हो? वाव लद्दाख में हमें लिफ्ट मिल गई है। लद्दाख में नहीं नुब्रा वैली में। हाँ लद्दाख का ही एरिया है पूरा। अच्छा ले अलग है, ले सिटी अलग है। हाँ ले सिटी अलग है। आप कहाँ तक जा रहे हो भाई? मिल ले, ले में जा रहे हैं। ये देखो रास्ता, तुम जाके आओ। ये देखो भाई यहाँ पे हमारी गाड़ी रुक गई है क्योंकि आगे जाके काम चल रहा है। ये देखो एक ट्रक भी रुका हुआ है, आगे जेसीबी
रोड चौड़ा होने का काम चल रहा है, जो सारी गाड़ियां अभी यहां पे रुकी हुई हैं, दूसरी तरफ की भी रुकी हुई हैं, फिर एक को निकालेंगे, एक तरफ का ट्रैफिक फिर दूसरी तरफ का ट्रैफिक, इस तरह से थोड़ी देर काम चलता है, थोड़ी देर ट्रैफिक को निकालते हैं। सांस भी नहीं आ रही है इतनी ऊंचाई पे। मैं पैदल चलता जा रहा हूँ, जेसीबी को देखने जा रहा हूँ। हो गया क्लियर हो रहा है शायद। ये बीआरओ के यहाँ पे लोग काम करते हैं, धूप सर्दी सब। चल गया ट्रैफिक, चल गया, आ गया ट्रैफिक। उसने हाथ हिला दिया वहाँ से, बोला आ जाओ। तो यहाँ से अब गाड़ियाँ आने लग गई हैं। ये वाली मशीन काम कर रही थी ड्रिलिंग का, उन्होंने दोनों तरफ से हाथ हिला दिया, उधर की भी खोल दी, इधर की भी एक साथ खोल दी। तो अब यहाँ पे देखो ये गलत हो रहा है, जबकि एक एक बार करके खोलते, तो वो लड़ाई कर रहे थे, तुमने वहाँ से क्यों हाथ हिलाया, तुमने उसको क्यों आने को बोला। दोनों तरफ की एक साथ आ गई। ओके, ये देखो वो वाली मशीन ने पहाड़ को यहाँ से काटा, अब ये वाली मशीन जो है यहाँ से हटाती है कचरे को इस रोड पर रह के। कितना आवाज़ कर रही है, धूल भी उड़ रही है बहुत, मास्क लगाना पड़ता है। चलो भाई, भाई ने 2 मिनट के लिए हमारे लिए रोक दिया। यहाँ पे खारदुंगला पहुँच गए हम, बोला नहीं जा रहा डीजल की बदबू आ रही है, पता नहीं लोग कैसे यहाँ पे आ जाते हैं यार। देखो कितने सारे लोग यहाँ पे फोटो खिंचवा रहे हैं। ये पानी भरने के लिए झरने से पानी भर रहे हैं। अभी खारदुंगला चलने के बाद नॉर्थ कुल्लू आने वाला है, हालत ख़राब हो रही है। ये देखो ये भाई तो यहाँ से पानी भरने चले गए हैं। वाह, ये अच्छा लगता है हिमालय का। सही लिफ्ट मिल गई आज हमें लेह तक की। कान खुल रहे हैं, बंद हो रहे हैं। मेरे को इतनी ऊंचाई पे ज़्यादा मज़ा नहीं आता, मेरे को मज़ा आता है ऐसा हिमाचल उत्तराखंड, बस हल्का हल्का, ज़्यादा नहीं, थोड़ा जंगल जैसा हो वहाँ ज़्यादा मज़ा आता है मेरे को। इतनी ऊंचाई पे ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है, उल्टा और कुछ नहीं। ये बाइकर आए हैं, ये लद्दाख से रेंट करी हुई बाइक है, भर लिया पानी, चलो चलते हैं। ये देखो भाई, मैं नेटवर्क यहाँ पे रास्ता बंद कर रखा है हमारा आगे, क्योंकि काम चल रहा है, जेसीबी पूरा रोड क्लियर कर रहे हैं। देख रहे हो ये पूरा ऊपर से धरक के आया है, या धरकाया गया है जो भी मान लो, और बाकी 2 क्रेन काम कर रही है। तो बड़ा जाम लगा है यार, लग ही नहीं रहा यहाँ से कुछ होगा। ओए, ऐसे यूं करके धरका दिया बड़े वाले पत्थर को भी, ऐसे काम होता है देखो यहाँ पे। ये देखो कुछ भाई लोग बाइक किराए पे लेके आए हैं यहाँ पे, पूछते हैं इनसे कितने रुपए पर डे पे मिली आपको बाइक। पर डे बाइक आप रेंट कर सकते हो, ले से मिल जाती है 1600 रुपए पर डे। ले में 1600 पर डे, मनाली से लेंगे तो ले, तो भी लगभग उतना पड़ता है। एले का है, हाँ ठीक है, एले 01। वैसे आप लोग कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से? बिहार से यहाँ तक कैसे आए? बिहार से यहाँ तक कैसे आए थे? कार से। अच्छा, फिर कार को छोड़ दिया लेह में और ये सही लेह से बाइक राइड करने आए। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि आपने गाड़ी छोड़ दी इन्होंने और फिर ये ऐसे बाइक रेंट करके आ गए, क्योंकि बाइकर्स के लिए ये थोड़ा एडवेंचरस रास्ता है ना। हाँ, क्या वन ऑफ द मोस्ट। आपको किसी की तबीयत खराब ऐसा कुछ लग रहा है या सही लग रहा है? सबको सब सही लग रहा है, कुछ खराब नहीं होता। मेरे को थोड़ा डाउन डाउन सा लग रहा है, ऐसा लग रहा है। तुमने नॉनवेज खाया ना इसके लिए? ऑमलेट को नॉनवेज बोलती है ये। तो नॉनवेज है वो। चलो भाई काम हो गया, आगे से अब चलते हैं आगे की तरफ। कहाँ जाना? थैंक यू, हम जा रहे हैं फोर्ट रोड पे। फोर्ट रोड पे जा रहे हैं? हाँ। आप किस तरफ जा रहे हैं?
आओ बैठो। थैंक यू, ये हमारे लिए जगह बना रहे हैं। वो भाई ने हमें छोड़ा था ना 1.8 किलोमीटर बचा था, फिर 100 मीटर हम चल के आ गए तो 1.7 किलोमीटर बचा, एक और गाड़ी रुक गई है तो हम बैठ जाते हैं। अभी भी होश उड़े हुए हैं, शलगम की सब्जी ले जा रहे हैं। ले मार्केट पे आखिरी लिफ्ट ने उतार दिया हमें, अब यहाँ से 400-500 मीटर हमें पैदल चल के जाना पड़ेगा। ये ले मार्केट है। ओके, ये सही है यार, यहीं पे तो घूम रहे थे हम। बहुत छोटा है ले, मिल गया हमें बड़ी जल्दी से रास्ता, पहुँच गए हम। 400-500 मीटर पैदल चलना है अब, चलें। ये देखो यहाँ पे ये टी शर्ट बिकी है, यहाँ पे लद्दाख के कोड्स लिखे हुए हैं, यहाँ का नमस्ते होता है झूले, सब टॉप के नाम लिखे हैं। ये देखो मैप भी बना हुआ है इसमें पूरा सर्किट का। चलो भाई पहुँच गए यहाँ पे। हमने ना बड़ा वाला बैग छोड़ दिया था और छोटे छोटे दो बैग लेके गए थे, ये वाले जो आगे हम टांगते हैं। अब यहाँ से भी हम कैंपिंग बैग उठा लेंगे और आगे जाएंगे हम लेह की तरफ, मतलब चोगलम सर की तरफ, वहाँ पे रहेंगे शायद। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। थकान भरा तो था पर अब एनर्जी लग रही है थोड़ी सी, खाना खाएंगे पास आ गए ना, एनर्जी आ जाएगी दोबारा से। टमाटर की चटनी। बाय 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 बाय। Så det är